नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। राजधानी लखनऊ के KGMU के कोरोना वॉरियर्स को सेना का सलाम। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने KGMU के ऊपर की पुष्प वर्षा। जी हां, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे की गूंज के साथ गूंजा लखनऊ का KGMU। लगभग 10:15 बजे यानी कि 10:15 सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। वहीं दूसरी ओर जनपद गाजियाबाद के हिडन एयरवेज से MI-17 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स ने गाजियाबाद पुलिस के कोरोना वॉरियर्स पर की पुष्प वर्षा। SSP गाजियाबाद कलानिधि नैथानी ने एयरवेज के अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा, इस पुष्प वर्षा को हम आशीर्वाद व शुभकामनाओं की वर्षा मानते हुए और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित हुए हैं। आपको बता दें, समय लगभग 11:50 दिन का था जब साईं बाबा थाने पर पुष्प वर्षा देखी गई। तस्वीरें साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी लखनऊ के KGMU के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आपको जनपद गाजियाबाद की तस्वीर दिख रही है जहां गाजियाबाद पुलिस के थाना साईं बाबा पर पुष्प वर्षा की गई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी नसीर जी, आज लखनऊ के KGMU पर पुष्प वर्षा की गई है, वहीं दूसरी ओर जनपद गाजियाबाद में भी पुलिस पर वर्षा की गई है। किस नजर से देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे आप इस पर? जी नसीर जी, जी बताना चाहूँगा कि लखनऊ राजधानी में जिस तरह का नज़ारा देखा गया KGMU पर, जहाँ डॉक्टरों की टीम थी और वहाँ के नर्स थे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला जब एक हेलीकॉप्टर द्वारा सेना द्वारा फूलों की वर्षा की गई और ताड़ियों के साथ गूंजा पूरा लखनऊ। और वहीं दूसरी ओर एक खबर जिला गाजियाबाद से भी सामने आई जहाँ पे पुलिस थानों के ऊपर भी फूलों की वर्षा की गई। आपको बता दें, लखनऊ राजधानी से ही ट्रांसफ़र किए गए SSP कलानिधि, जिनकी मेहनत वहाँ पे भी सामने नज़र आ रही है और जनता के लोग उन्हें वहाँ भी पसंद कर रहे हैं और वहाँ अच्छी पुलिसिंग को लेकर के वहाँ भी फूलों की वर्षा की गई। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से फूलों की वर्षा की जा रही है लखनऊ राजधानी में। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दूसरी तस्वीर जो है वो गाजियाबाद से है जहाँ फूलों की वर्षा थाने के ऊपर की जा रही है और एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की पुलिस की के लिए सोच जनता के लिए रहती थी वो कहीं ना कहीं बदलती नज़र आ रही है, चेहरा बदलता नज़र आ रहा है और एक अच्छा मैसेज जाता है। जी दुबे जी, जी जी नसीर जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसा कि देखा गया है कि कई जिलों में कोरोना योद्धाओं से डॉक्टर की टीम और पुलिस की टीम पर मारपीट व पथराव किया गया है, इसको देखते हुए अब प्रशासन कितना सख्त है? जी जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि लगातार जिलों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं कि कोरोना योद्धा, चाहे वो डॉक्टर की टीम हो चाहे पुलिस की टीम हो, पर मारपीट पथराव किया गया है, तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का सख्त आदेश है कि इस तरह के लोगों पर आदासुका लगाई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारे कोरोना योद्धा हैं और इन पर किसी तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी रियायत नहीं की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त आदेश हैं। जी दुबे जी, गाजियाबाद जनपद में आज हिंडन एयरबेस से MI-17 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और थाना साहिबाबाद पर लगभग समय 11:50 पर पुष्प वर्षा की है। एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स द्वारा जो गाजियाबाद पुलिस के कोरोना वॉरियर्स पर ये जो वर्षा की गई है, इसके लिए मैं वहाँ के अधिकारियों को और वहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और ये जो पुष्प वर्षा है इसको हम शुभकामनाएं और आशीर्वाद दोनों मानते हुए भविष्य में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित हुए हैं। और मैं पुनः एक बार फिर से गाजियाबाद पुलिस की तरफ से हमारे एयरफोर्स के समस्त एयर वॉरियर्स को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।